कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और मैं बना रही हूँ अभी राजमा, और राजमा बना के दही आधी तो बिलो दी है, थोड़ा सा और काम बाकी, इसको बिलो के मक्खन निकालूंगी फिर पोचा लगा के, और बाद में नहाऊंगी। तो सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार वीडियो स्टार्ट हो जाती है तो एंड तो हो जाता है। और कई बार ये हो जाता है कि ये काम करूंगी तब वीडियो की स्टार्टिंग करूंगी, इस वाले काम से स्टार्ट करूंगी, करते करते कभी कभी तो वीडियो स्टार्ट ही नहीं होती है। तो अभी वीडियो हो गई स्टार्ट। तो बताइए कैसे हो? मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल भले चंगे होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पर राजमा के लिए छौंक बढ़ा के मैंने मसाला तैयार कर लिया है। और राजमा को जैसे बॉईल किया था तो इसमें मैंने दो आलू डाल दिए थे, क्योंकि प्रॉपर राजमा बनाती हूँ ना तो पता नहीं है, बच्चे कम ही खुश होके खाते हैं। तो मैंने इसमें दो आलू डाल दिए थे और आलू इसी के बीच में मैश भी कर दिए थे। अब छौंक तैयार हो गया है तो इसको फ्राई पैन में ही बना लेती हूँ, कुकर हो जाएगा खाली। तो इसको अब साथ के साथ साफ भी कर दूंगी, क्योंकि चाय वाले बर्तन पड़े हैं उनको अभी साफ करना है। और विशाल के पापा जी गए हुए हैं मंडी में सब्जियां लेने के लिए। आज लास्ट वाले जो टमाटर बचे थे वो मैंने राजमा में डाल दिए हैं, टमाटर भी खत्म हो गए हैं और हरी सब्जियां तो कोई भी नहीं बची हुई हैं, तो वो मंडी में गए हुए हैं। तब तक मैं खाना बनाने की फुल तैयारी कर देती हूँ। लो जी, खाना हो गया है तैयार। बहुत ही यम्मी सी राजमा बनी है, ताजी लस्सी है, ताजा मक्खन और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी है। तो फटाफट आ जाइए और हमारे साथ सुबह का खाना खा लीजिए। सासुमा की थाली लग गई है और अभी सबसे पहले उनको ही दे आती हूँ। गैस का फ्लेम कर देती हूँ कम, नहीं तो फ्रेंड्स सब्जियां लेकर आए थे तो अब इनको भी धो के रख देती हूँ। और सब्जियों में लाए हैं 2 किलो तो टमाटर लेकर आए हैं, क्योंकि 20 रुपए किलो है, ज़्यादा महंगे तो है नहीं, तो 2 किलो एक साथ ही लेकर आए हैं। और ये वाला पेठा, हम तो इसको पेठा ही बोलते हैं, आपके वहाँ पर इसको क्या बोलते हैं आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ में लाए हैं फिर 2 कच्चे आम। पहले तो ये होता था कि सीजन होता था तभी कच्चे आम मिलते थे, लेकिन अब तो ऐसा टाइम आ गया कि कोई भी चीज़ ले लो 12 मास 12 महीने मिल जाती है। बस ये होता है सीजन होता है तो सस्ती होती है, सीजन ऑफ होता है तो महंगी होती है। तो ये देखिए कितने मोटे मोटे से कच्चे आम हैं, 2 लेकर आए हैं। ये है कि चटनी भी बन जाएगी इसकी, एक आम की तो चटनी बनाऊंगी और बाकी ये जो पेठे का साग बनाऊंगी तो इसमें डाल दूंगी। 1/2 किलो लाए हैं भिंडी, 1 किलो अरवी और 1 जुट्टी मैंने बोला था हरे धनिए की, क्योंकि 5 तारीख को मंडी में गए थे उस दिन लेकर आए थे 1 जुट्टी, तो अभी भी उसमें से इतना सा बचा हुआ है कि एक बार सब्जी में डाल दूंगी। अभी 1 जुट्टी और लेकर आए हैं तो ये थोड़ी सी लंबी है, तो इतनी सी पहले इसको नीचे से कट कर दूंगी, नहीं तो फिर फ्रिज में रखूंगी ना, ज़्यादा लंबा है और फिर ये बिल्कुल ही ऐसे हो जाएगा, तो थोड़ा सा नीचे से इतना सा कट कर दूंगी और फिर पानी में रख दूंगी। 1 किलो मटर भी लेकर आए हैं। वैसे अब गर्मी शुरू हो गई है, जितनी बढ़िया मटर सर्दियों में मिलती थी ना अब उतनी नहीं मिलती है। शान शकल की तो काफ़ी सुंदर है, एकदम हरी हरी है, लेकिन मैंने एक मटर खा के देखी है, दाने बिल्कुल भी मीठे नहीं हैं। बस ये है कि सब्जी कुछ ना कुछ तो चाहिए होती है, मटर भी 12 मास 12 महीने मिल जाती है, पहले तो सीजन पर ही मिलती थी लेकिन अब सब कुछ मिल जाता है।
एक लेकर आए हैं घिया। घिया तो अब जितनी बार भी जाएंगे ना उतनी बार ही लेकर आएंगे। और आज तो एक तरबूज भी लेकर आए हैं। कहने लगे कि ले आया हूँ, मीठे पिकेगा मुझे पता नहीं है कि कैसा होगा। वो तो बोल रहा था कि बहुत मीठा है, काट के दे देता हूँ। और फिर जो कट लगवा के लाते हैं ना, मैं इनको मना कर देती हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे कि मान ले आज खाने का मन नहीं है और उसमें जब टांकी लग जाती है ना, तो अगले दिन तक उसके अंदर एक ऑटोमेटिक सी स्मेल हो जाती है, फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे खरबूजे होते हैं, तरबूज होते हैं, इन चीजों को मैं हमेशा बोला करूँ कि साबुत ही ले आना, कटवा के मत लाना। जब मन करेगा तब मैं खुद ही काट दूंगी। तो अभी सारी सब्जियों को धो के और रख देती हूँ, पानी निचड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब शाम 5:30 बजे का टाइम है, तो चलिए बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेते हैं। और काफ़ी सारी बहनों के कमेंट्स आए हुए हैं, उन सबको आज रिप्लाई कर देती हूँ। और ये देखिए, मैंने जो कसूरी मेथी सुखाई थी वो मेरी सूख के तैयार हो गई है। इसको मैंने 2 दिन तक तो फोल्डिंग पे ही सुखाया था, और फिर जब ये सूखी सूखी हो गई तो इसी टब में डाल के, और ये देखिए ये वाली चुन्नी थी मेरी, और इसको ऐसे कवर करके ऐसे बांध के सुखा दिया था। और बीच बीच में इसको ऐसे करके पलट देती थी, तो ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर आ जाती थी। तो आज ये बिल्कुल सूख के तैयार हो गई है। ये देखिए आप इसकी आवाज़ भी सुन लीजिए, इसमें आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सूख चुकी है ये। और कलर तो आप देखिए बिल्कुल हरा है। साल भर की कसूरी मेथी मेरी तैयार हो गई है। तो एक बहन ने तो ये पूछा था कि आपने जो मेथी सुखाई है ये आपने कौन से वाली मेथी सुखाई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, वैसे तो मैंने उस वीडियो में ही बता दिया था कि मैंने कौन से वाली मेथी सुखाई है। तो एक तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देख लिया करो। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो सभी बातों का पता चल जाएगा। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखोगे और वीडियो को बस देखा और कमेंट्स कर दिया तो फिर पता नहीं चलता है। तो ये मैंने जो देसी वाली मेथी होती ना, छोटे पत्ते वाली, वो सुखाई थी। आप इसमें हाइब्रिड वाली जो मेथी आती है जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो भी सुखा सकती हैं, और ये छोटे पत्ते वाली थी ये भी सुखा सकती हैं। दोनों तरह की मेथी से ही बहुत ही बढ़िया कसूरी मेथी हमारी तैयार हो जाती है। पिछले साल तो मैंने हाइब्रिड मेथी सुखाई थी, और इस बार विशाल के पापा जी मंडी में गए तो वो तो मिली नहीं थी, ये वाली मिल गई थी तो ये वाली ले आए थे। तो कोई भी सुखा लीजिए, दोनों से ही मेथी अच्छी तैयार हो जाएगी। और अब मैं इसको देखिए थोड़ा सा ऐसे करूँगी इसको, और ऐसे करने के बाद फिर इसमें ये जो कुछ इसके लंबे लंबे से होते हैं ना तार से जो एक्स्ट्रा होंगे, इनको इसमें से निकाल दूंगी और फिर इसको एयर टाइट जार में भर के और स्टोर करके रख दूंगी। तो साल भर के लिए मेथी हमारी तैयार हो चुकी है। और एक बहन ने कमेंट्स किया था कि आप जो गुड़ के साथ दूध ले रहे हो तो गुड़ क्यों लेते हो दूध के साथ, इसका रीजन बताइए। तो फ्रेंड देखिए, रीजन तो कुछ भी नहीं है। बच्चे तो मेरे ना तो गुड़ लेते हैं ना ही चीनी लेते हैं, ये तो फिक्का दूध पीते हैं। जैसे उबाल देते हैं ना फिर वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद उसको ऐसे ही पी लेते हैं, इनको तो वही अच्छा लगता है। और मेरा ये होता है कि सर्दी सर्दी के मौसम में दूध के साथ इतना सा गुड़ ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं होता। अगर मेरे भरोसे तो गुड़ को देखे तो 1 किलो गुड़ 1 साल में ख़त्म होगा, मैं तो इतना ही खाती हूँ। विशाल के पापा जी हैं, कभी कभी जब रोटी खाते हैं तो उसके साथ भी ले लेते हैं, और दूध के साथ इतना सा लेते हैं। ये होता है कि बिल्कुल जो फिक्का दूध होता है पीने में अच्छा नहीं लगता है, और मैं तो हमेशा गर्म दूध पीती हूँ, मुझे ठंडा दूध पसंद नहीं होता, मैं गर्म पीती हूँ। तो गर्म दूध के साथ थोड़ा सा गुड़ ले लेती हूँ, और चीनी हम दूध में नहीं डालते हैं क्योंकि चीनी इतनी अच्छी नहीं होती हमारे स्वास्थ्य के लिए। और रही बात अगर हम गुड़ के फायदे या नुकसान देखें, तो एक आदमी तो गुड़ के इतने फायदे बता देगा कि जिसकी कोई भी गिनती नहीं है, और अगर दूसरी वीडियो देखेंगे ना तो वही उसके इतने नुकसान बता देगा कि गुड़ की तरफ कोई मुंह भी नहीं करेगा। इसलिए ना तो फायदे को देखती हूँ और ना ही नुकसान को देखती हूँ, बस ये होता है कि दूध पीना है थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा इसलिए इतना सा गुड़ मैं ले लेती हूँ।
और मेरा तो मानना ये है कि अगर फायदा नुकसान ढूंढेंगे तो सब चीज़ों का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। बस अपने शरीर को शूट करनी चाहिए कोई भी चीज़, अगर कोई नुकसान नहीं होती उस चीज़ से तो थोड़ा बहुत खा लो, अगर वो चीज़ अपने को नुकसान करती है तो उसको छोड़ दो, ज़रूरी भी नहीं होता है। और मेरी सासू माँ गुड़ इसलिए खाती हैं कि अगर वो गुड़ ना खाए तो उसको कब्ज हो जाती है, तो इस वजह से वो तो 12 मास 12 महीने गुड़ खाती है। सासू माँ के लिए तो हमें रखना पड़ता है स्टोर करके, वो तो दूध के साथ भी लेती है और रोटी खाती है तो उसके साथ भी थोड़ा सा लेती है ताकि उसका पेट जो है डेली साफ हो जाए, तो वो इसलिए खाती है। और बाकी मेरा कोई रीजन नहीं होता, मैं तो बस जीभ के स्वाद में थोड़ा सा ले लेती हूँ। और एक बहन ने पूछा है कि जो मंगलवार के व्रत हैं उनको कैसे करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मंगलवार के जो व्रत होते हैं अगर हम लोगों की सुनेंगे ना तो लोग तो आपको ये भी कहते हुए सुनेंगे कि मंगलवार का व्रत एक स्त्री को नहीं करना चाहिए, पुरुष को ही करना चाहिए, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। क्योंकि बहुत से लोग ये कहेंगे कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, वो तो औरतों से दूर रहते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हनुमान जी सीता माता को की पूजा करते, उसको अपनी माँ मानते, अंजनी माता के पुत्र हैं, तो फिर वो एक नारी से कभी भी नहीं चिढ़ सकते हैं। तो मंगलवार का व्रत स्त्री करे या पुरुष करे, सबको उसका फ़ायदा ही मिलता है। और व्रत कैसे करें ये भी अपनी भावना पर होता है, अपनी श्रद्धा पर होता है, क्योंकि भगवान हमें कभी भी नहीं कहते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुमको वो करना है, नहीं। अपने जो मन का एक भाव होता है ना, वो सच्चा होना चाहिए। तो जब मैं मंगलवार के व्रत करती थी, कहने वालों ने तो मेरे से भी ये कहा था कि एक औरत को मंगलवार के व्रत नहीं करने चाहिए, पाप लगता है, ये लगता है, वो लगता है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव बताऊँ ना तो हनुमान जी ने मुझे वो दिया है जो मैंने चाहा है। मैंने हनुमान जी से मांगा था कि मुझे सच्चे संत सतगुरु मिले, मुझे भगवान का ज्ञान मिले, मुझे वो रास्ता मिले जो परमात्मा तक जाता, और वो मुझे मिला है। तो हनुमान जी का व्रत करने से कोई पाप नहीं लगता है, आप कर सकती हैं। और मैं तो जब व्रत करती थी ना तो जैसे नमक नहीं खाती थी मैं, उसमें बिना नमक का खाना खाती थी। तो उस दिन सुबह खाली पेट जैसे अपना रहे, चाय वाय भी नहीं पीती थी, दोपहर को नहा धो के और जोत जलानी होती है। जैसे कोई भी अपने घर में, आपके घर में अगर हनुमान जी की फ़ोटो है, कुछ भी है तो आप वो रख सकते हैं। तो मैं जोत जलाती थी और जो भी आपकी भावना है, जैसा आप बैठना चाहो, हनुमान चालीसा का मैं पाठ करती थी। बहुत से ये भी कहते हैं ना कि औरत को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, वो डर जाएगी। मैंने पूरे 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ किया था। आप कर सकती हैं हनुमान चालीसा का पाठ, कोई दिक्कत नहीं है। शाम के टाइम पे बिना नमक का मैं अपना खाना बनाती थी और वो खाती थी, मीठे के साथ खा लेती थी। एक दिन का क्या होता है, तो मैं बिना नमक के रखती थी। और जब मैंने इसका उद्यापन किया था तब भी मैंने, मतलब ये अपनी एक श्रद्धा होती है कि मैं जब ये व्रत पूरे हो जाएंगे, मेरी जो इच्छा वो पूरी हो जाएंगी जब मैं इसका उद्यापन करूँगी, तो आपने एक भावना होती है कि मैं किस जरिए करूँगी। तो मैंने हनुमान जी के व्रत का उद्यापन बोला था कि मैं फ्रूट बांट के इसका उद्यापन करूँगी। तो हमारे वहाँ मंदिर था तो मैं वहाँ पर गई थी और मंदिर में मैंने केले बांटे थे उस दिन, अपना व्रत रखा था, केले खाकर ही अपना व्रत खोला था और केले ही मैंने बांट के अपने व्रत का उद्यापन किया था। लड़के लड़कियाँ सबको, जो वहाँ मंदिर के वहाँ बच्चे थे, उन बच्चों को मैं केले बांट के आई थी और उस दिन भगवान जी को धन्यवाद दे के और अपने व्रत का उद्यापन कर दिया था। तो ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि मतलब आपकी भावना क्या है। तो बहन आप ऐसे कर सकती हो। और अगर हम मतलब ज़्यादा उसमें जाएंगे ना कि भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो फिर उसमें एक भावना नहीं रहती है, उसमें एक दिखावा आ जाता है, क्योंकि वो हम एक दूसरे को देख के करते हैं। तो आप अपने अंदर की भावना को देखिए कि आपकी श्रद्धा कैसी है, आपकी भावना कैसी है, और तब जाके आप मंगलवार के व्रत कीजिएगा। हनुमान जी आज इस कलयुग में सबसे फलदायी देवता हैं जो कि हाल साल पृथ्वी पर ही रहते हैं। जहाँ कहीं भी राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी मौजूद होते हैं। तो आप राम कथा सुन सकती हैं, मंगलवार का व्रत आप रखें तो राम की कथा आप जरूर सुने, आपको व्रत का 2 गुना फल मिलेगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं। एक बहन ने आज की वीडियो पर ये भी कमेंट्स किया हुआ है कि जो धनिया पानी के मग में डाल के रखी हैं उसकी जड़ें काटनी हैं या धोनी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो जो धनिया जब भी मंगवाया ना उसमें जड़ें आई ही नहीं है, वो नीचे से कट की हुई होती है जुट्टी।
और पिछली बार आई थी तो वो इतने नाप की थी कि वो मग में उसकी जड़ें आ गई थी, पत्तियां ऊपर बच गई थी। और आज जो धनिया मैंने मंगवाया है वो तो इतना लंबा था नीचे तक, तो मैंने इतना सा कट कर दिया है वो। और क्योंकि उसको रखेंगे तो फिर वो मग से ऊपर रहेगा, गिर जाएगा, दिक्कत होगी उसमें, तो वो नीचे से इतना सा कट कर दिया, फिर मग में उसको आधा पानी भर के और उसको रख के फ्रिज में रख दिया। और इस बात का आप ध्यान जरूर रखें, जब ये धनिए को रखें उसको चेक कर लेना कि कहीं उसके बीच में कोई पत्ता पीला हो, या कई बार ऐसा होता है कोई टहनी वगैरह गल गई होती है तो उसको निकाल देना, नहीं तो वो कहते हैं ना कि एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को ही खराब कर देता है, वही हालत होती है कि अगर एक धनिया पत्ती उसके अंदर पीली होती है या एक जो टहनी होती है वो खराब होने वाली होती है तो पूरे धनिया को बीच में से गला देती है, तो वो आप जरूर निकाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, कोई और सवाल हो कुछ पूछना हो तो आप सब मुझे कमेंट्स करिए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आप सबसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।